हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बन्ना की रसोई में। तो आज हम बनाए हैं गेहूं के आटे से और एकदम टेस्टी सा लड्डू, जिसे बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है और ये बहुत ही फायदेमंद है। ऐसे इसमें चीज़ों से बना हुआ है जो खाने में बहुत पौष्टिक है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठंडी में खाएंगे बहुत मज़ा आएगा और बहुत ही टेस्टी चीज़ है और इसे ज़रूर खाना चाहिए और बना के 1-2 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसे हम बनाते हैं। तो सबसे पहले बनाने के लिए हम 1 कप गेहूं का आटा ले लिए हैं और आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। हम 1 कप गेहूं का आटा ले लिए हैं, उसमें 3 चम्मच डालेंगे हम बेसन, और एकदम बारीक वाला बेसन है तो 3 चम्मच हम ले लिए हैं बेसन। जिस चम्मच से हम खाना खाते हैं उसी चम्मच से नाप लिए हैं, तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले लीजिएगा। वैसे बेसन कंपलसरी नहीं है डालना इसमें, अगर आप चाहे तो उसे स्किप भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसके जगह पे 2 चम्मच सूजी ले सकते हैं रावा। तो देखिए इसे इसे हम 10 से 15 मिनट तक गैस को स्लो करके भूनेंगे, तो कुछ इस तरीके से कलर चेंज हो गया है। 5 से 7 मिनट तक करीब हो चुका है मुझे भूनते हुए और इसका कलर भी थोड़ा चेंज होने लगा है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, कोई भी बना सकता है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। इसे बना के आप 2-3 महीने के लिए भी स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। और ध्यान रहे कि इसमें घी नहीं डालना है, हमें ऐसे ही सिंपल भूनना है। भूनने के बाद हम ऊपर से घी डालेंगे। तो देखिए जैसे मेरा आटा भून चुका है, मैं 7 से 8 मिनट तक भूनी हूँ, उसके बाद इसमें 3 चम्मच घी डालूंगी और बारी बारी करके डालूंगी, एक बार इकट्ठा नहीं डालना है। तो 2 चम्मच डाल दिए, इसे मेल्ट होने देंगे और इसे कलछी से ऐसे ही हम चलाते रहेंगे, और जैसे जैसे ये थोड़ा सा मेल्ट होता जाएगा वैसे वैसे इसका कलर चेंज होता जाएगा। तो कुछ ही समय में देखेंगे तो एकदम अलग हो जाएगा और इसका कलर भी एकदम परफेक्ट आ जाएगा। तो ये देखिए घी भी मेरा मेल्ट हो चुका है, थोड़ा थोड़ा चेंजिंग आ चुकी है आटे में, और इसमें और कुछ नहीं ऐड करना है, सिर्फ इसे हम घी डाल के और ऐसे ही हमें चलाते हुए इसे भूनते रहना है गैस पे, और ये भूनता भी रहेगा और ऊपर से आपका घी भी मेल्ट होता रहेगा और अच्छे से ये खुशबू आती रहेगी। तो अगर आप इसे बनाएंगे तो ये खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, पूरे किचन में बहुत ही प्यारी सी खुशबू है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स का बारीक पिसा हुआ, तो हम बादाम और पिस्ता 2 चम्मच बारीक पीस के डाल दिए हैं, और 1 चम्मच व्हाइट तिल, और इस तिल को हम थोड़ा सा भून लिए थे। उसके बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट तक और हम गैस को स्लो करके भून लेंगे, और ये ध्यान रहे हमें जितना भूनेंगे इसको इसमें से जितना ही अच्छा टेस्ट आएगा, खाने में बहुत अच्छा लगता है। अभी देखिए गैस को बंद कर दिए हैं, अब इसे ठंडा होने देंगे, और इधर हम बर्तन में निकाल लिए हैं और 2 से 3 मिनट तक थोड़ा सा ठंडा होने दिए हैं, और ये थोड़ा सा मतलब अभी इतना ठंडा हो चुका है इसे हाथ से सह सकते हैं। उसके बाद ही हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। तो ये चीनी है, भूरा चीनी जो मार्केट में मिलता है, और उसे हम 1/2 कप ऐड किए हैं, और ग्राम में देखा जाए तो 125 ग्राम। तो अगर शक्कर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसमें 2 चम्मच और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, और हमारे यहाँ थोड़ा सा कम खाते हैं तो उसके लिए इतना बराबर है मैनेजमेंट। उसे हम अच्छे से मसल मसल के हम कुछ इस तरीके से कर लेंगे। उसके बाद ऊपर से हम डालेंगे गरम घी। तो घी जब भी हम इसमें ऐड करेंगे तो थोड़ा गरम करके डालेंगे, तो इसमें हम 2 चम्मच घी डालेंगे गरम हुआ, और इसे अच्छे से मसल मसल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अगर आप ऐसे हाथ से बना के देखिएगा, अगर आपका लड्डू बनना स्टार्ट हो जाएगा तो घी मत डालिएगा, अगर नहीं बन रहा है तो आप इसमें 1 चम्मच और घी डाल के इसका एक अच्छा सा पेड़ा बना सकते हैं। तो अब देखिए हाथ से ऐसे हम बना रहे हैं और अच्छे से बन भी जा रहा है, इसका मतलब एकदम सही है, इतना घी में 2 चम्मच में हो गया। तो इसे हम ऐसे हाथ से गोला गोला करके पेड़ा बना लेंगे, और देखिए कुछ इस तरीके से हम सारे लड्डू को अपने बना लिए हैं, और अभी हम प्लेटिंग कर रहे हैं तो एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो गया है। आप इसे एक एक लड्डू पर डे खाएंगे, बहुत ही अच्छी चीज़ है, खाना चाहिए। और अब आपको जब भी मीठा कुछ खाने का मन है तो इसे बना के रख दीजिए, और भूख भी नहीं लगता खाने के बाद, तो अब एक बार जरूर ट्राई करिएगा। इस तरीके से बहुत परफेक्ट बनेगा और बहुत ही टेस्टी लड्डू बनेंगे। इसके बाद थोड़ा सा शक्कर का पाउडर था उसके ऊपर से लगा दिए हैं, कुछ इस तरीके से हो गया है। अगर आपको नहीं पसंद तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये एकदम अच्छे से लड्डू बन के तैयार हो गया है, ये देखिए सॉफ्ट एकदम टेस्टी बना है।
तो कैसा लगा मेरा रेसिपी कमेंट सेक्शन में साझा करिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।